हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ किस तरह से घर में गेहूं से आटा कैसे बनाते हैं, गेहूं को कैसे पीसते हैं। ये एक मशीन है जो घर पे ही कोई भी रख सकता है, तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से इसको यहाँ पे हमने पूरा भर दिया है। अब इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। इस तरह से ये यहाँ पे गेट था, इसमें ये गेट हमने ओपन किया। ऑटोमेटिक है ये मशीन, इसमें डायरेक्ट हम लोग प्लग से कनेक्ट करेंगे, ऑन करेंगे, गेहूं पीस के आती रहेगी। ये इसमें छनने के लिए लगा हुआ है, ये छन्नी है और ये ड्रम जिसमें कि आटा हमारा इकट्ठा होएगा। तो ये स्टार्ट कर दी है हमने मशीन। अब ये देखिए, तो ये देखिए, ये मशीन इस टाइम स्टार्ट है। ये हमने यहाँ पे इसमें गेहूं भरी हुई है जो कि पीस के नीचे इकट्ठा हो रही है। जब ये खत्म हो जाएगी तब इसमें और गेहूं डाल देंगे। और यहाँ हमारा मशीन का जो है अंदर आटा इकट्ठा हो रहा है। ये इसमें यहाँ पे जो अंदर काफी ज्यादा हीट वगैरह या जो हवा बनती है वो बाहर निकलने के लिए इसमें दे रखा है फैन यहाँ पे। ये देखिए, ये इसमें आटा धीरे धीरे अंदर जा रहा है यहाँ से। ये मशीन हमें कॉस्ट हुई थी ऑलमोस्ट 16,000 की। इसमें देखिए इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आटा चक्की चलाने की पद्धति, आटा मेकर इंस्ट्रक्शंस। ये हेल्पफुल है वहां पे जहाँ पे लोग खुद का घर में गेहूं उगाते हैं, या गांव में किसान जो प्रेफर कर सकते हैं घर में आटा हम आसानी से इसे बना सकते हैं गेहूं से। ये देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ आटा चक्की काफी दूर थी तो हमें उठा के लेके जाना पड़ता था आटा पीसने के लिए, इसलिए घर पे ही इसको खरीद लिया है। ये मशीन इसीलिए हम लोगों ने रखी है ताकि कोई दिक्कत ना हो और हमें बार बार जाना ना पड़े मशीन पे। ये इसके साथ क्लीनिंग ब्रश मिला हुआ है। और यहाँ से हम लोग, इस मशीन की खासियत ये है, इसमें दो तरह की मोड है, मोड वन एंड मोड टू। मोड वन में हम लोग बाजरा, चावल, गेहूं, सॉरी चावल, चना दाल इत्यादि ये सब कर सकते हैं, पी सकते हैं। और मोड टू में आएगा गेहूं, चना दाल, मकई इत्यादि। यहाँ से मोड सेलेक्ट करने के लिए बटन है, हमने इसमें गेहूं का मोड सेलेक्ट कर रखा है और ये हमारी गेहूं ऑलरेडी इसमें पिस भी रही है। यहाँ से आप जाली सेलेक्ट कर रख सकते हैं कि कितनी आपको कोई चीज मोटी रखनी है, कितनी पतली रखनी है। ये देखिए, इसमें अलग अलग साइज की जाली दे रखी है। ये देखिए, इस तरह से जाली मौजूद है यहाँ पे, अलग अलग कई साइज की जाली हमारे पास है। आप जितना बारीक जितना मोटा रखना चाहते हैं उसके हिसाब से इसको पीस सकते हैं। तो इस तरह से ये मशीन काम करती है, ये मैंने आपको बता दिया। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है इसमें काम, इससे आटा पीसना। साथ ही साथ ये आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, हिला सकते हैं, क्योंकि इसमें नीचे जो है वो टायर्स लगे हुए हैं। हमने इसको रूम से लाके बाहर रखा है अभी ताकि हम आटा पीस सकें। तो ये थी इस वीडियो में हमारे पास गेहूं पीसने की मशीन जिससे हम आटा अपने घर के लिए लेते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।